अग्रवाल हूँ। मेरा खुद का मेडिकल सेंटर है जनकपुरी में, सिक्स सिग्मा मेडिकल सेंटर के नाम से। मैं उनकी हेड हूँ। और ये हमने यहाँ पे सेक्टर 9 में हमने एक नया कोविड सेंटर हम लोग ने बनाया है, जो कि आइसोलेशन कोविड सेंटर है। और ये बहुत अच्छा हमें काम करने जा रहे हैं देश के लिए, लोगों की सेवा के लिए। जो जो लोग क्वारंटाइन नहीं कर सकते, अपने आप को ध्यान नहीं रख सकते, उनके लिए हम लोग ने ये सुविधा यहाँ पे रखी है। और ताकि वो यहाँ पर आए और हम हैं जो उनको ठीक करके हम यहाँ से जाएं और खुश होके जाएं। और देखते हैं भगवान के दया से जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे लोग बाग जन अच्छे होके जाएँ। यहाँ क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही है? यहाँ पे जो है ना, हम लोग आईसीयू नहीं है अभी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हम क्रिटिकल पेशेंट नहीं ले रहे हैं, जैसे वेंटिलेटर ऑक्सीजन हम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल माइल्ड जो है पेशेंट ले रहे हैं, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक है, जिसको फीवर भी 100 से थोड़ा नीचे है। और इस तरह के हम पेशेंट हैं, क्योंकि आइसोलेशन है पूरा, प्रॉपर तरीके से उसको आइसोलेट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। आप शिक्षिमा जैसे मेडिकल सेंटर के बने इंचार्ज में काम कर रही हैं, डॉक्टर जो है, तो कैसा लगता है उनके साथ काम करते हैं? मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, कि आगे देश की सेवा के लिए। और ऐसा मौका कभी नहीं आता है। और हम लोग लकी हैं जो हम जो हमारे सर हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज सर, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं एक नोबल कॉज के लिए, वो आज की डेट में कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम उनसे बहुत कुछ आगे सीखते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे।